भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। तब से अब तक इस योजना के तहत व्यापक टीकाकरण कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर कार्य देखने को मिला है। रतलाम जिले के आदिवासी अंचलों में मिशन इंद्रधनुष के जरिए 10 तरह की असाध्य बीमारियों से बचने के लिए 9 तरह के टीके लगाए जा रहे हैं। जैसे डिलीवरी पॉइंट भी है यहीं पर बांगरोड में PHC पर, वहाँ पर 0 डोज तो लग जाता है BCG का। उसके अलावा पेंटा फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 डोज लगते हैं, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में। जब 1.5 महीने में बच्चा आएगा तो उसको हम पोलियो पिलाएंगे फर्स्ट डोज, रोटा वायरस पिलाएंगे फर्स्ट डोज, पेंटा लगाएंगे फर्स्ट डोज, वो पेंटा 5 बीमारियों से बचाता है। उसके अलावा FIPV लगाएंगे जो पोलियो का ही इंजेक्शन वाला पैटर्न है। उसके बाद PCV लगाएंगे जो अभी नया आया है, निमोनिया से बचाता है। बच्चे को टीके लगवाते हैं टाइम से, वो पोलियो जो भी दवाई वगैरह सिस्टर पिलाते हैं, और गर्भवती महिला आती है उनको वजन वगैरह टीके लगवाने, खाने पीने की सलाह, आयरन कैल्शियम की गोली। मिशन इंद्रधनुष के तहत घर घर जाकर भी टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें खासतौर पर 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डायरिया एनीमिया से बचने के लिए आवश्यक दवा देने के साथ जागरूकता भी फैला रहे हैं, जिसकी धात्री और गर्भवती माताएं काफी सराहना कर रही हैं। हमको इन्हें बताया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने, जैसे दीदी ने, कि टीकाकरण आपको आना है हॉस्पिटल में। वो तो करीबन 3 टीके यहीं लगे हैं, बाकी एक लगा है मेरे ससुराल में। हॉस्पिटल आते हैं या कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं, मैं टीका लगवाने के लिए आई हूं। बच्चे की क्या उम्र है अभी? 1.5 साल। शुरू से यहीं टीका लगवाना? हाँ, यहाँ। जो मैडम है यहाँ पर, आपको कितने टीके लगाए हैं अभी तक? इन्होंने 3 टीके लगाए। समय पे आपको लग जाते हैं टीके? हाँ, समय पे लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में उठाए जा रहे इस तरह के कदम निश्चित ही एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे, जिसके सुखद परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। रतलाम से राजेश पुरोहित के साथ अंकुर जैन, DD News भोपाल।